ऑफ यू, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे हो गए सब। सो आज का जो वीडियो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 मेटल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, थोड़ा लंबा चैप्टर है, डिटेल फॉर्म से देखेंगे। और सो इस वीडियो को चालू करते हैं इस टॉपिक से, मेटल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि ये बेसिकली दो चैप्टर का एक सामग्री है, तो थोड़ा लंबा जाएगा। एक मिनरल्स का बारे में भी जानना है एज वेल एज एनर्जी रिसोर्स के बारे में भी जानना। सो मिनरल्स होता क्या है, एनर्जी रिसोर्स क्या है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे, क्या खीर है क्या ये सारे टाइप्स में। सो टॉपिक पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट है डिफिनीशन ऑफ मिनरल्स, के बाकी मिनरल्स होता क्या है। सेकंड इज कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का एक एक करके देखेंगे, जैसे फेरस मिनरल्स में दो टॉपिक है, आयरन और मैंगनीज, और नॉन फेरस मिनरल्स में कॉपर और बॉक्साइट है। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका के बारे में जानेंगे, रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन। एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब कैसे उसको बचाना है। एनर्जी रिसोर्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्स भी एक मिनरल्स है, जिसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, ये सारा एनर्जी रिसोर्स जितने भी मिनरल्स है। उसमें भी दो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप्स देखेंगे, कन्वेंशनल में थर्मल हाइड्रो एंड नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर और एटॉमिक, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल एंड लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मेटल देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। सो पहला चीज स्टार्ट करते हैं कि मिनरल्स होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज मिनरल्स, डिफाइन कैसे करते हैं इस मिनरल्स को, और कैसे हम लोग कहेंगे कि ये मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स का सिंपल सा लॉजिक है कि ये नेचर में अवेलेबल है, इनऑर्गेनिक होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो बेसिकली जितनी भी हमारे, जितने भी आप किसी भी लोकेशन में चल जाओ, अर्थ के कहीं भी लोकेशन में चल जाओ, वहाँ मिनरल्स पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, और मिनरल्स होता क्या क्या है इसके बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स तो होना चाहिए, तो आप कैसे चार क्लासिफिकेशन में कर सकते हो। पहला चीज नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन एक नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो बिना किसी स्ट्रक्चर का, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब एक वी होना चाहिए, राइट, कि इसका इस तरह का शेप है। तो वो अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है तो वो मिरर्स कहलाएगा, और नॉन क्रिस्टलाइन में हो जाएगा तो वो नॉन मिरर्स में कहलाएगा। इस फॉर्म इन ए नेचर, नेचर में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे फोर नेचर में तो सारा चीज अवेलेबल है, राइट, मिरर्स हो चाहे वो नॉन मिरर्स हो, सारा चीज अवेलेबल है। तो नेचर में अवेलेबल का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आप मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मोबाइल जो है हमारा नेचर में अवेलेबल नहीं है, पर ये कई रिसोर्स मिलकर के ये मोबाइल क्रिएट किया गया है, तो ये हमारा ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड भी तो नेचर में अवेलेबल है, पर वो नेचर के द्वारा नहीं किया गया, नेचर से हम लोग इसको एक अलग रिसोर्स बनाए। तो एक्चुअली नेचर में जो अवेलेबल हो वो चीज होता है मिनरल्स। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी सेपरेट ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपली सब्सटेंस बाय द केमिकल मीन, यानी किसी भी केमिकल की मदद से प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल की मदद से हम लोग दोबारा उस चीज को ना बना करके किसी और चीज को बनाए, राइट। सो अगर किसी तरह से केमिकल में से उसको हम दूसरे चीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा मिनरल्स को, एलिमेंट को हम लोग मिक्स कर करके एक नया से एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा प्योर एलिमेंट नहीं कहलाएगा। एलिमेंट का मतलब ही होता है वो नेचर में फॉर्म हो, राइट। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल में ये पूरा एरिया जो था पहले लैंड होगा, ह्यूमन रिसर्च किया इस जगह पर कि अरे यहाँ पर इस तरह का मेटल्स पाया जाता है, ये इस टाइप का मेटल्स पाया जाता है, तो फाइनली वहां पर माइनिंग वगैरह करना चालू किया गया, राइट। तो ये पूरा एक लैंड फॉर्म है। अब ये लैंड फॉर्म मेटल्स जो है वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल था, ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट हुआ कई सालों के बाद, नहीं, ये जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय से यहाँ पर एग्जैक्ट मिनरल्स है। अब मिनरल्स को ह्यूमन यूज कर रहे हैं, राइट, ह्यूमन, अगर ह्यूमन अगर नहीं रहता तो ये मिनरल्स वहीं के वहीं वैसा ही वैसा फॉर्म में रहता। तो हम रिसोर्स को यूज करना जान गए इस मिनरल्स को, क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, कैसे यूज होता है, तो इस चीज का यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा लैंड फॉर्म था
अब यहाँ पर हमारा जैसे आयरन मिल गया राइट, तो हम लोग इसे यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर करके फिर इसको अब, लेकिन ये मिनरल्स ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल में ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज अवेलेबल है, इसके अलावा बाकी सारा चीज, बहुत सारा चीज मिक्स रहता है, जैसे सैंड हो गया, बालू हो गया, रॉक हो गया, ये सारा चीज मिक्स रहेगा इसमें, ऐसा नहीं है, पर इसको इससे अलग करना पड़ेगा मिनरल्स को, तो इसके लिए हमें फैक्ट्री चाहिए। तो एक फैक्ट्री सेटअप होता है, मान के चलिए ये फैक्ट्री सेटअप है, वो सारा चीज मिनरल्स जो है यहाँ पर लाया गया। अब इस फैक्ट्री में क्या किया जाएगा कि वो मिनरल्स को अलग किया जाएगा और जितनी अनवांटेड चीज है सब्सटेंस उसको दोबारा से यहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो यूज के काम के लिए वो हो गया, तो जो यूजफुल हो गया वो मिनरल्स हो गया, और जो यूजफुल नहीं है उसको रॉक के काम में हो गया। यानी कि यूजफुल वही होते हैं जो काफी कम पाए जा रहे हैं, मतलब 100,000 टन अगर वहां से पूरे चीज उठाया गया तो उसमें से 1 टन ही ऐसा होगा कि मिनरल्स रिसोर्स उसमें से निकल पाएगा। एंड फाइनली यहाँ से अगर मिनरल्स मिल गया तो इस तरह का हमारा बहुत सारा है, ये रॉक मिनरल्स है बहुत सारा फॉर्म है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज का उसका प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं, ओ ये चीज मिल गया यहाँ से, ये चीज मिल गया। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह से 3-4 तरह का मिनरल मिल जाए, ये पूरा का पूरा एक ही जगह इलाका में मिनरल्स मिल जाए, लेकिन एक पार्टिकुलर केस में 10 तरह से 5 तरह का वैरायटी मिलते हैं, तो हर एक मिनरल को अलग अलग छांट लिया जाता है वैरायटी में और फिर उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है राइट। एंड मिनरल्स अब अकरेंस मतलब कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम जानते हैं कि 3 तरह का रॉक होता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो ये तीनों रॉक में तो मिनरल्स पाया जाएगा नहीं राइट। इसके अलावा भी डीकम्पोजिशन, रॉक का डीकम्पोजिशन होने के कारण भी मिनरल्स का एक फॉर्म होता है, जानेंगे आगे क्या होता है एलुवियल डिपोजिशन के समय भी और ओशियन के। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन सा मिनरल्स किस तरह का फॉर्म में पाया जाता है राइट। अब उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रॉक जो है वो 3 तरह का रॉक तो होता है, पर रॉक का फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। जैसे ये हमारा 3 तरह का रॉक है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये रॉक साइकिल है पूरा का पूरा। मैं थोड़ा क्विक रिवीजन रिकॉल कर देता हूँ, इग्नियस रॉक उसको होता है जो मेंटल से ऊपर की ओर आता है, ऊपर सरफेस में आने के बाद सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड से वो रॉक में कन्वर्ट किया जाता है, और यही जो है वेदरिंग के बाद, वेदरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के बाद इरोजन होता है, वहां बहा कर करके डिपोजिशन ओशियन के किनारे कर दिया जाता है, और ये जो होता है बाद में लेयर बाय लेयर बनने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है, और जब काफी सालों तक सेडिमेंट्री रॉक को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो एक बॉन्ड बना देता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और बाद में कन्वर्ट हो जाता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारा प्रोसेस जो है वापस में चल जाएगा, फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये मेंटल के ऊपर वाला जो पार्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, हार्डर होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है यहाँ से टूट करके इसमें वापस मैग्मा में मिल जाता है, और इससे वो जो है फिर से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज तो हो गया रिसाइक्लिंग का और टाइप्स ऑफ रॉक का, कैसे ये फॉर्मेशन होता है। अब इसका टॉपिक कैसे जोड़ा जाए इग्नियस और रॉक का, और इसमें कैसे लिया जाता है, तो देखो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक तो बहुत पहले से ही थे, सेडिमेंट्री तो बाद में बना राइट। इग्नियस तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो मेटामॉर्फिक रॉक पूरा का पूरा था, लावा का फॉर्मेशन होने के कारण वो लावा स्ट्रम काफी ज्यादा एक्टिवेट था क्योंकि काफी हॉट उस समय सरफेस था, तो इग्नियस रॉक तो हो गया। तो यहाँ पर तो सेडिमेंट्री तो है नहीं, तो ज्यादातर मिनरल्स पाया जाता है चाहे इग्नियस और मेटामॉर्फिक में पाया जाएगा, तो ये दोनों रॉक में ज्यादा ज्यादा मिनरल पाया जाता है, क्योंकि उसी समय जो है जितना भी यूनिवर्स में हमारा मिनरल्स प्रेजेंट है और वो अर्थ के ग्रेविटेशन से टच होकर के जो अर्थ के में आ गया लाइटर एलिमेंट लेयर बाय लेयर, सो वो जितना भी है वो मेटल पाया जाएगा। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स अकर्ड होते हैं, लेकिन मान के चलो एक पूरा का पूरा पठार है या फिर माउंटेन है जहाँ पे वहाँ पर क्रेक वगैरह पाया जाएगा, और जहाँ भी इग्नियस होगा तो वो कैसे हो, इग्नियस का मतलब ये होता है नीचे से ऊपर की ओर आना लावा के फॉर्म में, तो वो जितने भी लावा के फॉर्म में आएगा तो वो सारे जहाँ भी रॉक वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है वो मेटामॉर्फिक हो या इग्नियस हो, नीचे से आ रहा है फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पर क्रैक क्रिएट करेगा, चाहे वो स्मॉल क्रैक क्रिएट कर सकता है, क्रैक मतलब वहाँ पर दरार आ जाना, या लार्ज, तो स्मॉल को वीन कहते हैं, लोडीज
लार्ज को कहते हैं। तो ये दोनों क्रैक ही हैं, बस एक स्मॉल है तो एक लार्ज है, नाम डिफरेंट डिफरेंट दे दिया गया। अब वहां से क्या होता है कि नहीं, यहाँ तो यहाँ क्या है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा मैंगवा के फॉर्म में, और इसी में बहुत सारा मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब ये ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर काफी हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर के कारण ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये जो क्रैक है, क्रैक से के थ्रू से ऊपर आएगा। और क्या होता है कई बार कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड से ये बाद में बहुत दिनों के बाद ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर काफी होता है। यही जो सॉलिड फॉर्म में होने के बाद ये जो भी आया मिडस, वो इसमें रॉक के बीच में वो अपना जगह बना लेता है, वहां पर सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल हो गया। टीन, कॉपर, जिंक, लेड जो है ये इसका एग्जांपल हो गया कि इस तरह से पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जैसे मैंने बताया कि ये लेयर बाय लेयर होते हैं, एक लेयर बनाया फिर दूसरा लेयर काफी सालों के साथ डिकम्पोज होने के बाद, एक्युमुलेट होने के बाद, कंसेंट्रेट लॉन्ग टाइम हाई प्रेशर के लिए हीट इवेपोरेट होने के बाद ये फाइनली जो है वो इसी के बीच में प्लांट एनिमल ये सारे चीज जो है सड़ गल जाते हैं, और सड़ गल जाने के बाद ये मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिप्सम हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सरफेस जो है ऊपर वाला हमारा रॉक का वो डिकम्पोज हो जाना, और वहाँ का मॉइस्चर जो है वो, मान लीजिए किसी रॉक में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर हट जाएगा और वो किसी और चीज में रॉक जो है वो और सॉलिड हो जाएगा, और उसका प्रॉपर्टी जो होगा केमिकल और फिजिकल वजह से वो चेंज हो जाता है। लाइक पहले वो रॉक ही था, जनरल रॉक है, और डिकम्पोज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, बॉक्साइट में कन्वर्ट हो गया। एल्यूमिनियम और भी एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। एल्यूवियल डिपोजिशन, एल्यूवियल का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम डिपोजिशन, जब भी हो गई सेडिमेंट्री के जैसा काम करेगा, डिपोजिशन हो गया। और उसके साथ साथ क्या होता है, कई बार जो होता है डिकम्पोज डिपोजिशन होने से जैसे हील हो गया, काफी इलाका से रिवर किसी भी इलाका से आ सकते हैं, तो जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह है वो बह करके ये सारे फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। तो रिवर के किनारे आपको अफ्रीका स्पेशली जो है गोल्ड के लिए काफी है, फेमस है, तो माइनिंग करके तो निकला लेकिन बाद में डिपोजिशन होने के बाद भी, बहन के आने के बाद भी वो चीज जो है गोल्ड के बाद डायमंड भी मिल जाता है, सिल्वर, टीन, तो ये सारे फॉर्मेशन जो है इसके कारण से होता है। ओशियन मिनरल्स, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड के पास मिनरल्स अवेलेबल है, ओशियन में भी काफी सारे मिनरल्स है, इनफैक्ट ओशियन में लैंड से भी ज्यादा मिनरल्स है, पर अभी तक ह्यूमन ने एक्सट्रैक्ट नहीं, ओशियन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा खोज नहीं पाया। अभी हम सारे लोग अभी लैंड पर जितने मिनरल्स हैं उसी पर से काम चला रहे हैं, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनरल्स जो है ओशियन में और भी कई मात्रा में होंगे, तो ओशियन से जो भी मिनरल्स पाया जाएगा वो ओशियन मिनरल्स होगा। बेसिकली अभी हम लोग कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, तो नमक बनाने की जो प्रक्रिया है वो ओशियन से ही, ओशियन को सुखा करके वहां के उसको कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सारा चीज जो है फॉर्मेशन होता है ओशियन की मदद से। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो तीन टाइप्स में इस चैप्टर में करना है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो मेटल का, नॉन मेटेलिक मतलब रॉक हो गया, एनर्जी जिसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या डोमेस्टिक पर्पज के लिए, लेकिन एनर्जी होना चाहिए, राइट। सो आयरन कंटेन में बेसिकली क्या क्या होता है, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल, कोबाल्ट, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा कि फेरस कौन मेटल होता है। तो यही पांच बेसिकली जो है, चार जो है वो फेमस है, बाकी सारा चीज होगा नॉन फेरस में आ जाएगा। तो फेरस याद रखें, नॉन फेरस में बाकी सारा मेटल हो जाएगा। एक्सपेरिसियस होता है जो स्पेशली जो है वो जो काफी कम मात्रा में, ये जिसका डिमांड बहुत ज्यादा हो और काफी कॉस्टली पर्पस में हो, तो रिसियस मेटल में वो कहलाएगा। फेरस मिनरल्स पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, या इंडिया हो या पूरे वर्ल्ड में, फेरस मिनरल्स जो है थ्री फोर्थ जो है वो फेरस मिनरल्स ही पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब हो गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फेरस मिनरल्स अवेलेबल है, राइट। सिर्फ 1/4 जो है, सिर्फ एक पार्ट जो है वो हमारा नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स है। सो पहला है, हम फेरस में दो ही पढ़ना है, पहला आयरन और
टाइप्स देख लेते हैं इसका कौन कौन सा। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन और सैलिराइट। परसेंटेज देख लो, 72%, 20%, 59%, 48%। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है Fe3। ऐसे भी फॉर्मूला बेस पर देखा जाए तो Fe3 जो है यानी कि Fe इंडिकेट करता है आयरन को, और ये तीन है और बाकी सब दो दो है, ये तो एक ही है। तो जितना अमाउंट अगर होगा आयरन का परसेंट वो होगा, तो मैग्नेटाइट जो है सबसे ज्यादा आयरन कंटेनर टाइप, सिर्फ याद रखना है। और इसका मैक्सिमम कितना किसमें, लेकिन ये जो है आयरन पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो बिहार बेसिकली ये ओल्ड मैप है, तो बिहार अपना देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा नागपुर या झारखंड देख सकते हो, तो झारखंड उड़ीसा बेल्ट हो गया, नीचे में आएंगे तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ है दुर्ग के पास में, और ये है महाराष्ट्र वाला इलाका। थर्ड में केरला और आंध्र प्रदेश मिल करके यहाँ पर, और चौथा तमिलनाडु, फिफ्थ है गोवा और रत्नागिरी। रत्नागिरी काफी फेमस है, तो रत्नागिरी में अभी यहीं पर रत्नागिरी को लेकर के एक रिफाइनरी ऑयल बनाया जाने के लिए डिमांड चल रहा था पूरे वर्ल्ड का, अरब से कांटेक्ट हो रहा था सऊदी अरब। अब ये कुछ माइनिंग है आयरन का जो फेमस है, जैसे रत्नागिरी होगा, नॉर्थ गोवा या साउथ के में मान सकते हैं, वही जो ऊपर में जो था वो बेल्ट था, और ये सारे चीज है स्ट्रक्चर है उसका। अब ओर, आयरन ओर या स्टील बोले, स्टील का फॉर्मेशन हो आयरन ओर, तो दो चीज का एक्सपोर्ट करता है इंडिया, एक तो उड़ीसा पोर्ट से, एक गोवा पोर्ट से, तो ये दोनों तो ऐसे ही यहाँ रहेगा। सेकंड चीज जो है, तीन आपको याद रखना ऊपर से कंपल्सरी है, कि सबसे टॉप जो है प्रोडक्शन में उड़ीसा है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। झारखंड तो वैसे भी फेमस है आयरन के लिए, ये छोटा नागपुर के पास में, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैंगनीज। मैंगनीज होता क्या है, ये क्या होता है देखो, मैंगनीज का पर्पस जो है बेसिकली जो है वो स्टील का फॉर्मेशन से, यानी कि स्टील तो नेचर में अवेलेबल नहीं है, आयरन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टील में, तो वो कितना रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एक टन ऑफ आयरन चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली 10 kg मैंगनीज, सिर्फ ओनली 10 kg मैंगनीज से चल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 8 tons जो होना चाहिए कोल का प्रोडक्शन होता है अगर इंडिया का बात किया जाए तो काफी यूज कोल यूज होता है इसमें यूज मैंगनीज का, देख लेते हैं वैसे ही सेम टू सेम जैसे आयरन का, उड़ीसा सबसे ज्यादा, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यूज क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो बता दिए कि स्टील में सिर्फ नॉट ओनली स्टील, ऑल्सो एल्यूमिनियम के लिए भी चाहिए, कोटिंग के लिए हो सकता है, कलर पेंटिंग के लिए, पेंट के में यूज किया जाता है, और ग्लास क्लोराइज करने के लिए, साफ क्लीनिंग वगैरह मैंगनीज के लिए यूज किया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स में देख लेते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन, तो कॉपर वाले मेटेबल, मेटेबल मतलब होता है इसको सीट में बदला जा सकता है, पतला से लचीला सीट के रूप में बदल जाए, पीट पीट कर एकदम सीट में बदला। टैक्टाइल मतलब होता है एक तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी यूज पास होता है इसमें, तो इसलिए इसका केबल का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका काफी यूज होता है कॉपर का। एंड कॉपर का इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो अगर इंडस्ट्री सबसे टॉप में देखा जाए तो सबसे खेतरी है हमारा राजस्थान में, ये तो नाम आपको भूलना ही नहीं है कॉपर के मामले में, और नॉट ओनली कॉपर, लीड, जिंक, ये सारा चीज जो है राजस्थान जो है, बॉक्साइड और कॉपर दोनों एक साथ है, बॉक्साइड जो और होता है वो एल्यूमिनियम के लिए होता है, तो ये वाला एरिया जो है बॉक्साइड के लिए, राइट। और यहाँ तो ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू, तो जो आयरन ओर जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ जो है कॉपर एंड बॉक्साइड भी प्रेजेंट है। बॉक्साइड बेसिकली लाइटर होता है, राइट, गुड कंडक्टर है, सेम टू सेम मेटेबिलिटी होता है, इसीलिए आप देखोगे अक्सर घरों में जो है जो खाने का जो बर्तन होता है रखने के लिए वो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और माइन इसका बेसिकली तीन जगह फेमस माइन है, एक छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वाला अमरकंटक प्लेटू, और हिल उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा, ये इसमें भी उड़ीसा जो बॉक्साइड, आयरन, मैग्नीज सब में उड़ीसा जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। नॉन मेटल मिनरल्स में देख लेते हैं माइका, माइका को कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये भी जैसे कॉपर जो है सेम टू सेम, ये भी जो है इलेक्ट्रिक
के लिए यूज किए जाते हैं। माइका का एक लेयर होता है, पतला पतला लेयर होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? माइका इज मिनरल्स मेड ऑफ सीरीज ऑफ ए प्लेट, जैसे मैंने बोला एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट प्लेट प्लेट, जैसे सेडिमेंट्री रॉक कैसे होता है लेयर बाय लेयर होता है ना, सेम टू सेम इसमें भी एक लेयर बाय लेयर होता है। तो जितना ज्यादा लेयर होगा उतना ज्यादा जो होगा, मैं इसके आगे देखता हूँ। इट इज स्प्लिट इजी या थिन, दिस हैज बी ए थिन एंड थाउजेंड माइका सीट ए फ्यू सेंटीमीटर हाई। कलर इसका कैसा है? ब्लैक ग्रीन रेड। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो पावर लो फैक्शन, ये है लो पावर एंड लो फैक्टर। पावर जो है काफी कम होगा। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि करेंट जो है वो पास नहीं करता है, लेकिन रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज पर भी इसका यूज होगा। माइका इज वन ऑफ द हैज अ मिनरल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ये तो है। माइका पाया कहाँ जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू, गया में, खेतरी में, हजारीबाग बेल्ट, ये भी झारखंड में ही है, और राजस्थान में अजमेर के पास में नीर नोर माइका बेल्ट आंध्र प्रदेश में। तो ये बेसिकली चार है, छोटा झारखंड हो गया, गया बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। माइका का बेसिकली यूज इसी में बता दिया गया था कि माइका जो बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टर इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की यूज में थर्मल इंसुलेटर भी है, यानी कि हीट जो है आप इजिली नहीं होता। तो ये अक्सर देखोगे कि हीट के लिए पर्पज के लिए यूज किया जाता है इसको, यानी कि ऊपर में हीट रहेगा, इसको सीट बीच में डाल दिया जाता है ताकि हीट जो है वो पास ना हो। ग्लाइंड ग्लास के क्रॉसिंग हीटर के रूप में भी यूज किया जाता है इसके। रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स मतलब रॉक ही है, पर इसका मिनरल्स के रूप में यूज कैसे करेंगे पर्पज में, जैसे फर्स्ट जो है लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन का यूज क्या है? तो पहले लाइमस्टोन का केमिकल नाम क्या है? केमिकल केमिस्ट्री में जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो फैक्टर याद रखना। सेकंड चीज, ये फॉर्म कहाँ होता है? तो ये लेयर बाय लेयर होता है, लेयर बाय लेयर जो कौन सा हमारा रॉक फॉर्मेशन रहता है, तो सेडिमेंट्री रॉक। यूज सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्मेल्टिंग ऑफ बैटर्स, यूज कहाँ होंगे? आंध्र और कर्नाटक सबसे ज्यादा जो है लाइमस्टोन पाया जाता है। मेजर हजार्ड ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग से हमें क्या क्या चीज का इफेक्ट पड़ेगा? देखो माइनिंग जहाँ होगा डस्ट होगा, डस्ट जहाँ होगा वहां पर एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा तो हेल्थ पोल्यूशन होगा। तो वहाँ के लोग जहाँ भी माइनिंग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोल माइनिंग भी ले लेते हैं, तो वहाँ की जितना भी लेबर होंगे तो वहाँ लंग्स का जरूर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो पोल्यूटेड हो गया है। इतना ह्यूज अमाउंट में वहाँ पर माइनिंग होता है कि नेचर को बिना देखे हुए वहाँ पर काफी, एक जो चीज, एक चीज आपको ये भी समझना होगा, जहाँ भी माइनिंग था उससे पहले, राइट, उससे पहले वहाँ पर काफी घना जंगल हो, क्योंकि माइनिंग जहाँ भी हो रहा है वहाँ का माइनिंग का मतलब ही है कि वहाँ पर नेचर का एबिलिटी काफी है। तो एक पहले का फिगर, एक बात का फिगर, यानी कि पहले माइनिंग का फिगर जो पहले वाला का कंडीशन उस लैंड का, एक लैंड का बात का काफी डिफरेंट हो जाता है। एक पूरा नेचर जो है हरा भरा पूरा जंगल, और उसके बाद माइनिंग के बाद जो है पूरा है वहां पर पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लीजिए, पूरा का पूरा दूषित है। दूसरा चीज, मशीन वहां यूज करेगा, हैवी हैवी मशीन होगा तो नॉइस पोल्यूशन होगा। पुली सॉर्ट ऑफ ए फायर इग्निशर, फ्लाइंग रॉक, रॉक फॉल करने का भी डर है, यानी कि ऊपर से जैसे ये हाइट हो गया, राइट, बारिश हुआ तो कभी भी ये गिरने का डर रहता है, पूरा का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। हाइड्रिक सिस्टम फायर होने का डर है, ये पूरा अगर वायर का है, गलती से शॉर्ट सर्किट इधर से वायर किया गया और गलती से अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो ये पूरा का पूरा खदान जो है वो जल जाएगा, और काफी यूज होगा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह के कारण। वे टू कंजर्व, अब क्या कैसे कंजर्व किया जाए? देखो ये जो पहले का कंडीशन है हमारा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिर इसके ऊपर में बिल्डिंग बना रहे, तो कैसे इसको कन्वर्ट कर दो? तो जो भी माइनिंग हम लोग जो भी मिनरल्स यूज कर रहे हैं उसको अल्टरनेट सोर्स देखना होगा, और ऐसा सोर्स देखना होगा जिससे ये हमारा जो नेचर है हरा भरा जो है वो बचा रहे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। उसको कन्वर्ट करने का, जैसे हमारा सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, अब ये सारा चीज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो नेचर भी नहीं इफेक्ट होगा, राइट, और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगा, तो इससे दोनों को फायदा हो रहा है, नेचर को भी, जैसा नेचर है उसका भी नुकसान नहीं, और साथ ही साथ
हमें जो चाहिए वो भी मिल रहा है, तो अल्टरनेट सोर्स खोलना काफी जरूरी है, राइट। दूसरा पाथ लीडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखो ये होता है कि जब भी हम लोग माइनिंग वगैरह करते हैं या डेवलपमेंट के नाम पर कि हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, कंट्री को डेवलप करना है, तो इससे हम लोग बिना देखे हुए ताक पर रख करके मिनरल्स को हम लोग इतनी यूज कर लेते हैं कि अगर हमें 10 चाहिए तो हम पैसे कमाने के चक्कर में 10 से 20 माइनिंग कर लेते हैं। तो वो सारा चीज जो है एक साइमल्टेनियसली प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, एक समय होता है सारा चीज का सफिशियंट के लिए। अवॉइड ओवर एक्सपोर्टेशन, राइट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर मिडल्स में ही सारा चीज हो जाए तो अच्छा है। बायोगैस इसी तरह से सेम टू सेम यही सोर्स है। रीयूज रिसाइकिल। फॉर एग्जाम्पल में अगर अल्मीनियम का यूज कर लिया गया, राइट, तो उस अल्मीनियम को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। एनर्जी, एक पार्ट फिनिश हो गया, अब आते हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, एनर्जी रिसोर्स, यानी कि इस रिसोर्स में सारा चीज इलेक्ट्रिसिटी से ले लो, राइट। टैक्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि दोबारा जिसको यूज किया जाता है, एक बार यूज कर लिए तो फिर वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, राइट। कोल फर्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स, तो कोल का प्रॉपर्टी, कोल बेसिकली अगर इंडिया में बात किया जाए तो पहले तो था थर्मल पावर के लिए एंड डोमेस्टिक के लिए, लेकिन अब डोमेस्टिक पर्पस के लिए काफी कम यूज कर लिया गया। अब जितना भी कोल का यूज है वो थर्मल पावर के लिए, अभी भी हमारा जो कंट्री है वो थर्मल पावर पर जनरेट है, यानी कि 70-80% जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो थर्मल पावर के वजह से ही होता है। तो इससे हमें काफी चेंज लाना होगा। पहले आप कई जमाने में पहले फर्स्ट 10-20 साल पहले जो है पूरा का पूरा जो है रोटी घर पर जितना भी खाना वगैरह बन रहा है सब कोल पर ही चलता है, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव सोर्स अब सब जगह गैस का फैसिलिटी अवेलेबल है। गांव में अभी भी लकड़ी और कोल का ही यूज करते हैं, लेकिन अभी वो भी काफी कम हो चुका है, आने वाले समय में और भी कम होगा। उसी तरह से हमें जो थर्मल पावर एनर्जी है उसको सिंपली शिफ्ट करना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी में। कोल का, जैसे कि कोल कैसे फॉर्मेशन होता है, तो मिलियंस ईयर लगते हैं इसको बनने में, कंप्रेस डेथ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल। और ये कोल बेसिकली जो है वो एनिमल के मर जाने पर, पेड़ पौधे के मर जाने पर, काफी हाई प्रेशर वगैरह चलने के बाद जो है वो कोल में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये सारा चीज आपको फैक्ट पता ही होना चाहिए। लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट पहले टाइप देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे इसके फैक्ट के बारे में। ये चार तरह का बेसिकली कोल होता है, ये सारा स्टेट है, टाइप्स कुछ नहीं है, बस स्टेज है कोल का, जो फर्स्ट स्टेज होता है पीट है, देन लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो स्टेट का मतलब होता है ये जो है हमारा जो है कोल का इनिशियल फेज है, ये यहाँ से कोल बनना चालू होगा। अब इसको हीट एंड प्रेशर और देते हैं तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा, और समय देते हैं तो इसको बिटुमिनस, और समय देते हैं तो ये एंथ्रासाइट। यानी कि सेकंड इधर से देखा जाए तो मॉइस्चर इंक्रीज होगा, यानी कि इसमें काफी कम मॉइस्चर होगा, इसमें थोड़ा और ज्यादा होगा, इसमें और इसमें काफी ज्यादा होगा। और मॉइस्चर का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बर्निंग ऑफ टाइम, यानी कि ये जो है तुरंत ये जल्दी बढ़ेगा, जलेगा भी नहीं और काफी कम प्रोडक्शन देगा, लेकिन ये जो है एंथ्रासाइट जो है काफी ह्यूज समय तक जलेगा, और जितना हमें चाहिए, राइट, वो हीट चाहिए इससे, तो वो काफी देर तक रहेगा। तो ये फैक्ट है, ये चार सिर्फ नाम ही आपको याद रखना है और इसका सीरीज याद रखना है कि कैसे होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो होगा किसमें पाया जाएगा, एंथ्रासाइट में। अब लिग्नाइट जो है हमारा कहाँ पर रिजर्व, वो तमिलनाडु में है, और इसका यूज किस लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज में। सेकंड दामोदर वैली, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन, वारदार वैली, ये सारी चीज में कोल डिपोजिट होते हैं। अगर टेरिटरी कोल के बारे में, यानी कि ये ज्यादा यूज के लिए तो नहीं है, पर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मेघालय, असम, अरुणाचल, मेघालय, ये सारे स्टेट में भी ये सारा चीज जो है कोल कैपेबिलिटी है। और ये चलने के बाद क्या होगा, एस जो है अपना रिड्यूस कर देते हैं, यानी साइज छोटा हो जाएगा, ये जो जितना सॉलिड है उतना कम हो जाएगा। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल मत समझना, पेट्रोलियम काफी, पेट्रोलियम मतलब होता है क्रूड ऑयल एक तरह से। तो यहाँ ये पूरा चैन है, तो आप पेट्रोलियम से बहुत सारा चीज जो है वो मिलता है,
एक पूरा एक चैम्बर आता है पेट्रोलियम के लिए, इधर से हम लोग क्रूड ऑयल इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से हीट बर्निंग होगा और जैसे जैसे हीट रिड्यूस होगा, जैसे यहाँ 6000 डिग्री है, 270 है, 170 है, 120, 70 है, 120 डिग्री, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर पर जो है, डिफरेंट डिफरेंट ये पाइप के थ्रू जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है हीट जो जाएगी वो है बिटुमिनस, ये रोड के लिए, ये जो ब्लैक रंग का जो रोड रहता है इसमें यूज़ किया जाता है। फिर फ्यूल फ्यूल सीप और इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। फिर लुब्रिकेंट वगैरह, तो ब्लैक रंग का जो ऑयल रहता है राइट, इंडस्ट्री के मशीन में जो डाला जाता है वो बनने के लिए। फिर डीजल डीजल फ्यूल एंड जेट फ्यूल जो एरोप्लेन में होता है, तो डीजल पेट्रोल के बीच वाला जो फ्यूल होता है वो जेट फ्यूल होता है। एंड फिर पेट्रोल केमिकल मतलब हो गया केरोसिन वगैरह, एंड एलपीजी जो हमारा एलपीजी यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो फाइनली मिलता है एज ए गैस के रूप में, तो सबसे ऊपर वाला जो होगा। तो ये तो हो गया टैक्स। हम पेट्रोलियम का फैक्ट कुछ देख लेते हैं, पेट्रोलियम इंडिया में किस तरह से पाया जाता है, और पेट्रोलियम का यूज जो है सेकेंडली होता है, क्योंकि हम पेट्रोलियम डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसी दूसरे कंट्री पर, स्पेशली फॉर गल्फ कंट्री का। लेकिन अगर इंडिया में अगर बात किया जाए तो पेट्रोलियम की तो बात कर लिए कि किस किस तरह से होता है, जैसे टेक्सटाइल फर्टिलाइजर के रूप में, केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में पेट्रोलियम वगैरह का यूज होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओशियन के अंदर में पाया जाता है। कुछ चीज पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का मतलब समझो, पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है, सेम टू सेम एंगल के सड़ने गलने के बाद काफी समय के बाद वो कन्वर्ट, जैसे कोल कन्वर्ट होता है उसी तरह से ओशियन में पेट्रोलियम कन्वर्ट होता है। लेकिन सिर्फ ओशियन में नहीं, कई ऐसे रॉक भी होते हैं, रॉक के बीच में जो होता है वो पेट्रोलियम पाया जाता है, वो वहीं पर फॉर्मेशन हो जाता है पेट्रोलियम का, वो कोल में ना कन्वर्ट होकर के पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये जो है, ये यहाँ पर यही बताने की बात कर रहा है कि यहाँ पर दो तरह का स्टोन होते हैं, पोरस एक नन पोरस। सबसे पहले आप जान लो कि पोरस और नन पोरस में डिफरेंस क्या है, पोरस रॉक्स क्या होते हैं। तो देखो, पोरस रॉक वैसे रॉक होते हैं जिसके बीच में जो होता है एक गैप होता है, राउंडेड कैन विथ मोर एयर एंड वाटर स्पीसीज, इसके बीच में पाया जाता है। तो एक छिद्र छोटा छोटा जो होगा एक रॉक के बीच में, एक छोटा छोटा होल जैसा टाइप होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पोरस रॉक, और एकदम गैप नहीं है उसके बीच में, उसको हम लोग नन पोरस रॉक कहेंगे, उसके बीच में एकदम गैप ही नहीं है। ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया। तो ये दोनों टाइप्स रॉक में जो है ये पाया जाएगा, जो नन पोरस वगैरह होगा और पोरस इसके बीच वाला जो गैप होगा उसके बीच में भी ये पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ पर इंडिया में, बेसिकली तीन फॉर्मेशन होता है, एक बॉम्बे है ओशियन के नीचे में, गुजरात में, गुजरात के अखिलेश्वर एंड उड़ीसा, सबसे ओल्डेस्ट हमारा जो पेट्रोलियम पाया गया था इंडिया में ये हमने खोजा था वो उड़ीसा के पास में, असम सॉरी असम के डेगपोई नहर कटिया मोरन उधर, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। ये हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे से कुछ किलोमीटर ऊपर में यहाँ पर ऑफसेट बना करके यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, और ये है गुजरात के अखिलेश्वर। उसी तरह से इस तरफ असम जो है, असम के पास में भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फैक्ट देख लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी वाला चीज राइट, क्यों बोला गया कि यहाँ पर कार्बन इमिशन जो है काफी कम होता है, पॉल्यूटेड काफी कम होगा, तो जितना डीजल से जो होता है, और नेचुरल गैस क्या है हमारा एलपीजी, तो एलपीजी से कितना कार्बन निकलता है, सारा का सारा वो बर्न हो जाता है, ना के बराबर कार्बन प्रोड्यूस होता है। और नेचुरल गैस जो है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम से मिलता है, नेचुरल गैस हम लोग एग्रो से भी निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जैसे अब बहुत सारा फैसिलिटी है कि नेचुरल गैस जो है सनफ्लावर से, क्रॉन से, कौन से, ये सारी चीज डिफरेंट डिफरेंट चीज से, इथेनॉल से नेचुरल गैस पाया जाता है, तो काफी सारे चीज मीथेन, ये काफी और तरीके से भी हम लोग नेचुरल गैस जो है वो कर सकते हैं सोर्स इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम के में, तो जहाँ भी एनर्जी का यूज होगा वहाँ पर नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं, होममेड डोमेस्टिक पर्पज के लिए, इको फ्रेंडली है, कार्बन कम होता है। ये सारे रिजर्व जो है इंडिया में कहाँ कहाँ नेचुरल गैस पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बॉम्बे है, गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज, गल्फ ऑफ कैम्ब्रिज और गल्फ ऑफ गंज के बीच में ही है, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो गल्फ ऑफ कैम्बे और ये गल्फ ऑफ कच कहलाता है।
अंडमान एंड निकोबार। ये पाइपलाइन के बारे में बताया गया और ये सीएनजी के बारे में बताया गया। और नेचुरल गैस है क्या? एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, ये सारे चीज जो है ना सिर्फ नाम दे दिया गया, जैसे मेथेन को जो मेथेन गैस जो है हमारा एलएनजी है। एलपीजी अगर बोलोगे तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है, और एनजीएल जो है वो सारा चीज है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नेचुरल गैसोलीन पाइप, ये सारा चीज का जो होगा एलएनजी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? काफी सारे प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, कुछ फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से तरीके से। जैसे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक डैम बनाया जाता है, जैसे कहीं भी अगर वाटर रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है वाटर का, राइट, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर बह रहा है, तो यहाँ पर सिंपली एक डैम बना दिया जाता है और ये पूरे को रिजर्व कर लिया जाता है, राइट। अब डैम से ये पानी पास होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण हाई प्रेशर के कारण ये जो है वाटर जो होगा ग्राउंड ग्रेविटी से, ग्रेविटेशन के कारण नीचे की ओर फ्लो होगा, और ये जो है जनरेटर जो है रोटर जो है लगा हुआ है, ये रोटेट होगा और ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, देन इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई मिलेगा। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये है हमारा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सिमिलर ही है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। रिसोर्सेज में कोयल का यूज करते हैं, एलएनजी के कोयल का यूज करके हम लोग वाटर को हीट करते हैं, वाटर हीट करके बॉयलर जो है हाई प्रेशर के कारण जो है वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो कंट्रोल करते हैं हमारे कितना सप्लाई करना है कितना नहीं करना है वोल्टेज का, वो ट्रांसफॉर्मर जो है वो करेगा, एंड देन सप्लाई हो जाता है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, न्यूक्लियर एटोनॉमिक एनर्जी काफ़ी है। देखो न्यूक्लियर एनर्जी एक तो न्यूक्लियर बम के लिए यूज होता है, लेकिन यही चीज हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो तो कंट्रोल बेसिस से अगर करें न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो है यूरेनियम जो है बम्बार्डिंग जो किया जाता है वो कंट्रोल बेसिस पर होता है कि आपको इतना ही एनर्जी जनरेट करना है, सारे चीज का सब एक ही प्रोसेस है। वो सारा प्रोसेस जो होगा वो है कि वाटर को हीट करना चाहे वो कोई भी हो, और जनरेटर को जनरेटर के फैन को जो है जो यहाँ पर रोटर लगा हुआ है बस इसको रोटेट करना, और ये जो रोटेटर जो होगा जनरेटर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बाकी सब ट्रांसफॉर्मर वगैरह सारा चीज यही इफेक्ट। अब इसका जो न्यूक्लियर जो हमारा स्टेशन है वो है कहाँ कहाँ पर, तो उसके लिए हमारा जो फ्यूल क्या यूज किया जाता है न्यूक्लियर में, यूरेनियम और थोरियम, और ये कहाँ पर अवेलेबल है, झारखंड, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, और केरला के मेजोहित सैंड में पाया जाता है थोरियम। तो ये तीन फैक्ट जगह है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, राइट। ये कुछ साइट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का इम्पोर्टेंट, ये राजस्थान में है क्योंकि यहीं पर यूरेनियम पाया जाता है, यहीं पर बना दिया गया। दूसरा गोवा के आसपास, तीसरा मद्रास तमिलनाडु में, ये वाला काफी बड़ा है, कल्पाकम, बातें सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बेसिकली है क्या, ये आपने काफी घरों में देखा होगा या छत पर या फिर कहीं स्टेशन पर या काफी जगह। सोलर एनर्जी काफी सिंपल है, कुछ लॉजिक इसमें तो है नहीं। ये सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट सन जो है इसको हीट करता है, इलेक्ट्रॉन जो है रन कराया जाता है, और ये जो बेसिकली होगा वो कनेक्टेड होगा किससे, बैटरी से, बैटरी का स्टोर करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फिर वही डीसी टू एसी में कन्वर्ट कर करके पूरे चीज को सप्लाई किया जाएगा। विंड एनर्जी का भी वही काम है, सिर्फ ये जो विंड है वो विंड क्या करेगा, यहाँ पर वैसे ही जगह लोकेशन पर लगाया जाता है विंड पावर के लिए, जहाँ पर 24 आवर जो है विंड जो है फ्लो कर रहा हो रोटेट करने के लिए, भी हैवी हैवी जो ये मशीन लगा हुआ विंड रोटर जो लगा हुआ, तो ये रोटेट करेगा, और रोटेट करने के लिए इसके पीछे जो है वो जनरेटर लगा हुआ रहता है जिससे ये प्रोड्यूस करेगा, ये डायरेक्ट जो है ये सप्लाई कर दिया जाएगा डायरेक्ट करेंट और डायरेक्ट से एसी करेंट में। ये तो हो गया, लेकिन ये विंड एनर्जी हर जगह यूज नहीं कर सकते, जहां पर हवा का फ्लो जो है काफी हाई हो वहीं पर यूज किया जाता है, तो इंडिया में हवा का फ्लो जो है विंड का जो फ्लो वहां पर तमिलनाडु हो गया, मदुरई वाला स्पेशली एरिया,
आंध्र प्रदेश केला, गुजरात केला, तो ये पूरे साउथ है जो हमारा इंडिया है, वो सारा कुछ चारों चारों स्टेट ले लेते हैं। उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के लिए बायोगैस वेस्ट मटेरियल से, जैसे बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग के वेस्ट मटेरियल से जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो काउ का जो क्रप होता है, फार्म का जो वेस्ट होता है, एनिमल ह्यूमन का वेस्ट जो होता है, तो एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में डाइजेस्टर सिस्टम है, इसी के लिए डाइजेस्टर नाम रखा गया, और ये कलेक्ट करने के बाद इसी से एक गैस निकलता है, और ये गैस होता है उसका यूज करके हम लोग डाइजेस्ट कर करके हम लोग बायोगैस में उसको कन्वर्ट करते हैं। और ये जो है बायोगैस बेसिकली जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, फर्टिलाइजर के रूप में, सॉइल के रूप में, लिवर ब्रीडिंग के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस करने में, ये सारा चीज है। और बेसिकली ये बायोगैस कॉक के जो वेस्ट है उससे ज्यादा यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए गांव के लिए काफी यूज है, इसलिए इसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। रूरल के लिए काफी इफेक्टेड है, तो ये बायोगैस जो है बेसिकली अर्बन में काफी कम, लेकिन रूरल में काफी होगा पॉपुलर। टाइडल एनर्जी, टाइड जो है वो फ्लो किसमें होता है, ओशियन जो है हमारा करंट, ओशियन जो फ्लो होता है एक साइड से ऊपर में, तो बेसिकली ऐसा चीज ये टाइडल यूज वहीं किया जाएगा जहां पर जो टाइड वेव जो है काफी यूज हो, राइट। सो ये इसके बीच में एक गैप कर करके एक टर्बाइन लगा दिया जाता है जहां पर टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वर्क कम इन एंड अगेन गो, राइट, कम इन कम गो। सो एक आया एक गया, और ये जो है रोटर जो है रोटेट करेगा, और ये जनरेटर है, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फैक्ट देखते हैं, ओशियन टाइड बेसिकली ये होता है गल्फ ऑफ कच्छ के बाद में, वहां पर गुजरात में जो है वो काफी फेमस है, काम वक्त वहां पर भी, एंड गुजरात वाले बेसिकली एरिया में और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा वहां पर भी काफी टाइडल वेव होता है, इसलिए उस लोकेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, ये लेटेस्ट है पर अभी ह्यूज अमाउंट में हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। जियो थर्मल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि मेंटल वाला जो पार्ट है वो काफी हाई टेम्परेचर रहता है, राइट, तो वो हाई टेम्परेचर को हम किसमें यूज कर सकते हैं, वाटर को बॉइल करने में, हॉट करने में, ये जो होगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम जो होगा क्या करेगा, टर्बाइन को रोटेट करेगा, और टर्बाइन जो किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जो आउटलेट है वापस जो ठंडा हो जाने के बाद, जो ठंडा अगर हो जाता है तो वापस जो है वो ग्राउंड में ही हम वापस भेज सकते हैं, तो ये बैलेंसिंग बना रहेगा नेचर। तो ये बेसिकली यूज कहाँ किया गया, ये एक्सपीरियंस कहाँ किया गया, वो लद्दाख वाले एरिया में और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में इसका एप्लीकेशन किया गया। एंड लास्ट टॉपिक है इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स को कैसे कंजर्व करते हैं। उसके पहले एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि ये इम्पोर्टेंट जो है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज की लाइफ में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा मान लीजिए तो क्या होगा, इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगा, कॉमर्स नहीं हो पाएगा, आपके घरों में जितने भी काम होते हैं, यहाँ इनफैक्ट मोबाइल तक ला कम्युनिकेशन वगैरह सारा का सारा चीज़ें होगा, एग्रीकल्चर भी इससे अब डिपेंडेड होगा, यानी कि आप इतनी डिपेंडेड हो गए हैं कि बिना एनर्जी को हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम किसी तरह से इसको सस्टेनेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। एंड पूरे वर्ल्ड का, एक तो इंडिया का अगर बात किया जाए तो हम काफ़ी दूसरे पर डिपेंडेड है, क्योंकि दूसरे कंट्री पर एनर्जी के लिए स्पेशली, तो हमारे पास इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसकी वजह से कंजर्व किया जा सकता है, पहला रिन्यूएबल को क्रिएट करना, राइट, जो हम डिपेंडेड है नॉन रिन्यूएबल पर, वो सिंपली उसको शिफ्ट हो जाना है रिन्यूएबल एनर्जी को। Use of firewood could be reduced as well as possible. Firewood, जितने भी कम लकड़ियाँ वगैरह यूज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये कम से कम करें। सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना, यानी कि बेसिकली सिंपली बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल, क्योंकि जितना पॉपुलेशन कम होगा उतना ही कम यूज किया जाएगा रिसोर्स, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी। और सेकंड चीज है अवेयरनेस, लोगों को ज्यादा ज्यादा पता होना चाहिए कि इससे हमारा क्या नुकसान है आने वाले जनरेशन को, तो स्पेशली एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट्स इट, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है।